हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग हॉबीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे मूंग और पालक के पकौड़े, इसको मूंगौड़े भी बोल सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है हरी मूंग, इसको रात भर भिगो लिया है, उसके बाद धो लिया है एक बार। अब इसको मिक्सर जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर इसको पीस लेंगे। बहुत चिकना नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। हरे मूंग के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए, पीस लिया है मैंने, इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें एकदम बारीक कटा पालक डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, साबुत धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, नमक डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मूंगौड़े फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है मैंने, अब छोटा छोटा इसमें डालते जाएंगे। इस तरीके से शेप देते हुए इसको कढ़ाई में डालेंगे। अब इसको पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक, एकदम क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से पूरे पकौड़े बना लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी, कितने अच्छे पकोड़े बने हैं। तो बस अब हरी मूंग के पकोड़े बन करके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।